नमस्कार, मैं हूं आरती। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पुलवामा हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आई। अगर वो समझ जाता तो शनिवार रविवार की रात को संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की हिमाकत नहीं करता। पाकिस्तान को उसकी ये गलती इतनी भारी पड़ी कि भारतीय सेना ने उसकी बखिया उधेड़ दी। भारतीय सेना ने जवाब देते हुए पीओके की नीलम वैली में बड़ी कार्रवाई की और सीमा पार से कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। सेना की कार्रवाई में पाक सेना का हेडक्वार्टर और उनका तोपखाना भी तबाह हो गया। दरअसल पाक सेना ने भारत में आतंकियों की घुसपैठ के इरादे से देर रात संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था और तंगधार में जोरदार फायरिंग की। इस गोलीबारी में दो सेना के जवान शहीद हो गए, वहीं एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई। पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देने में भारतीय सेना ने भी देर नहीं की और वो नीलम घाटी में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर कहर बनकर टूट पड़ी। सेना ने पाक को सबक सिखाने के लिए आर्टिलरी गन और मोर्टार शेल का भी इस्तेमाल किया। सूत्रों की माने तो सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए हैं और 22 आतंकी ढेर हो गए। इस कार्रवाई में पाकिस्तान को खासा नुकसान होने की खबर है। भारतीय सेना की इस मार से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला उठा, जिसके बाद पाक सेना की मीडिया विंग ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और तिलमिलाहट में एक बार फिर झूठी कहानियों की बरसात कर डाली। हालांकि उन्होंने ये बात कबूल की कि भारतीय सेना ने पीओके में कार्रवाई की है। उन्होंने माना कि इस कार्रवाई में पीओके को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उसने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या सिर्फ एक ही बताई है। पाक सेना की मीडिया विंग के मुताबिक मारे गए सैनिक का नाम लांस नायक जाहिद है। साथ ही उसने दो सैनिकों के घायल होने की बात को भी स्वीकार किया है, लेकिन उसने ये बात नहीं मानी कि भारत की सेना ने वहां मौजूद आतंकी शिविरों पर कार्रवाई की थी। पाक मीडिया विंग ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय सेना आतंकी शिविरों पर कार्रवाई के झूठ को साबित करने के लिए मासूम नागरिकों को निशाना बना रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि देर रात को पाकिस्तान ने तंगधार में सीज फायर का उल्लंघन किया था, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ये बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में पीओके में मौजूद 7 आतंकी कैंप भी तबाह हो गए। सेना की इस कार्रवाई के बाद सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है, जिसको देखते हुए रक्षा मंत्रालय भी अलर्ट पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आर्मी चीफ बिपिन रावत से पूरी जानकारी ली है। दरअसल पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटने के बाद से ही बौखलाया हुआ है। कश्मीर की शांति उसके सीने में खलबली मचा रही है। यही वजह है कि वो अब सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इससे जुड़ी और भी खबरें हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।